बुखार चेक करने के लिए मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं हम पीएच चेक करना। मिट्टी का पीएच अगर अनबैलेंस हुआ, असंतुलित हुआ, तो पौधे को कितना ही भोजन दे दो, कितना ही पानी दे दो, कितना ही खाद दे दो, कितना ही अच्छी मिट्टी में लगा दो, तो भी फसल नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी भोजन ग्रहण करने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीएच उसका गड़बड़ है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति को आप केला खिलाओ जी, काजू खिलाओ जी, किशमिश खिलाओ, बादाम खिलाओ, क्या फर्क पड़ रहा, पहले तो उसका बुखार ठीक कर दो, सूखा चना भी खिला दोगे तो भी वो अच्छे से काम करेगा, सही है कि नहीं? तो पहले बुखार ठीक करना जो अंदर है, तो हमको मिट्टी का पीएच चेक करना। तो चारों कॉर्नर से आप 200-200 ग्राम मिट्टी उठाओ, चार मतलब 1 इंच मिट्टी हटाओ, और नीचे की 2-3 इंच तक की मिट्टी खोद के और 200-200 ग्राम इकट्ठी करो, सबको मिक्स करो, उसके चार पार्ट बना दो, एक पार्ट को एक कटोरे में डालो और डिस्टिल पानी लेके आओ, बाजार से मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, या तो बैटरी का पानी जो होता है ना, वो पानी चाहिए जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है। अगर पीएच वैल्यू कम ज्यादा वाला लिया ना, तो वो गड़बड़ होएगा। तो हमको 0 पीएच वाला पानी चाहिए, वो पानी हमने मिट्टी में मिला दिया और इतना उसको गाढ़ा कर दो जितना हमने आज सुबह दलिया किया था, ठीक है, और उसमें ले जाके फिर पीएच पेपर को डिप कर दिया। डिप करने के बाद 10 सेकंड 15 सेकंड उसमें डिप रहने दो और निकाल के उसको हवा में सूखने दो। सूखने के बाद उसका कलर आ जाएगा पेपर का, और वो कलर पीएच पेपर के सामने जो कलर दिए होंगे उससे आप उसको मैच कर लो। तो कलर के सामने पीएच पेपर पे नंबर दिए रहते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना आ रहा है। तो अगर 6.5 से 7.5 के बीच में है तब तो सही है, और अगर ये कम है या ज्यादा है तो फिर बुखार चढ़ा है। तो अगर ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन है, मतलब एल्कलाइन बुखार चढ़ा है, समझ लो, है ना, मतलब मिट्टी का नेचर क्षारीयता पे है। तो उसको ठीक करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग करो, या तो फिर नींबू के रस का इस्तेमाल करो, क्योंकि गौमूत्र और नींबू के रस में एसिडिटी होती है, तो क्षारीयता तभी कंट्रोल हो सकती है जब एसिडिटी मिट्टी में जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करना, 6.5 से 7.5 तो ठीक है, 7.5 से 8 नंबर आया, तो 8 नंबर पे आपको क्या करना, 100 लीटर देसी गाय का ताजा मूत्र या पुराना मूत्र पानी के साथ में मिला के खेत में देना, तो उसका पीएच ठीक हो जाएगा 100 लीटर। और अगर मान के चलो ये 8 नंबर से 8.5 नंबर हो गया तो 200 लीटर मिलाना, और अगर ये 9 हो गया तो 300 लीटर मिलाना, ऐसे करके आप ये कर सकते हो, तो इसका पीएच वैल्यू ठीक हो जाएगा। एक काम आपको करना, अगर पीएच कम है मतलब एसिटिक नेचर का है, तो एसिटिक नेचर में फिर आपको रॉक फॉस्फेट पाउडर या तो जिप्सम पाउडर या तो चूने का पाउडर का इस्तेमाल करना। तो कितना, अगर ये 6.5 से 6 आ गया तो 250 किलो या तो चूना पाउडर डालो खेत में, या तो जिप्सम पाउडर डालो, या तो फिर रॉक फॉस्फेट पाउडर डालो, इन तीन में से कोई भी एक डालो तो पीएच मेंटेन हो जाएगा। और अगर ये आधा नंबर और कम हुआ तो 250 और बढ़ा दो, और अगर आधा नंबर कम हुआ तो और 250 बढ़ा दो, ऐसे करके जितना पीएच कम उतना 250 बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम पीएच वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं अपनी मिट्टी की, ठीक है कि नहीं। अब पीएच वैल्यू मेंटेन कर ली मान के चलो, तो अब हमने सब कुछ चेक कर लिया, अब सब कुछ ठीक है, पीएच ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब थोड़ा सॉइल की हेल्थ को बढ़ाना, जैसे अगर कोई फसल नहीं आ रही थी, हमने पीएच चेक किया तो पीएच गड़बड़ था, तो हमने उसको ठीक करने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन अब उसको थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत बनाना। जैसे कोई आदमी को मलेरिया हो जाता है, ठीक है मलेरिया ठीक हो गया लेकिन शरीर कमजोर हो गया, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाई पिलाई करते हैं, थोड़ा फल बल खिलाते हैं, थोड़ा ठीक है खीर वीर खिला देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाए। तो ऐसे ही मिट्टी के लिए भी जल्दी रिकवरिंग के लिए हमको सन, ढेंचा, उड़द या मूंग जैसी फसलों को बोकर 40 दिन बाद खेत में ही उसको वापस जोत देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, मिट्टी का जो हेल्थ है वो एकदम से इम्प्रूव हो जाता है। अगर जहाँ पर रॉकी सॉइल है, कुछ लोगों का सवाल था जहाँ पर एकदम मुरम वाली मिट्टी है, पठार टाइप की मिट्टी है, अगर वो मिट्टी में अगर आप इस तरह का काम लगातार 2-3 साल कर लिए तो वो मिट्टी बहुत बढ़िया बन जाएगी और उसमें हर तरह की भी फसल आप उगा सकते हैं अच्छे से। कार्बन परसेंटेज बढ़ जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी और सभी तरह की फसलें भी उसमें होने लग जाएंगी। तो क्या करना, सन, ढेंचा, उड़द या मूंग में से कोई भी एक फसल को बोकर 40 दिन बाद खेत में वापस उसमें रोटावेटर चला दो, मिक्स कर दो, तो इससे क्या होगा, मिट्टी का कार्बन वैल्यू बढ़ेगा, उसकी हेल्थ एकदम से इंप्रूव होगी, ठीक है।
तो ये चीज हमने आपको सॉइल के बारे में बता दिया। मिश्रित बोले इन सबको तो नीचे रह जाएगा तो वो दब जाएगा तो वो मूंग और उड़द एक साथ बो सकते हैं। मूंग और उड़द, मूंग उड़द को भले बो दो आप एक साथ पर एक ही एक बो ना, क्यों मूंग और उड़द दो दो काम कर रहे हो है ना, कुछ कर रहा है तो वो दे है कि नहीं है, पर जरूरत नहीं है, सिंगल एक से भी बोने से काम चलेगा। सन सन फसल होता है, सन 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 जो जूट की रस्सी बनती है ना जिससे वो, अच्छा 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 सन 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 तो ऐसे उड़द मूंग सन ढेंचा इनमें से कोई भी एक क्रॉप। ढेंचा या सन कितना क्वांटिटी में एक एकड़ में? ढेंचा 20 किलो बोना चाहिए, सन जो है ना 40 किलो बोना चाहिए, उड़द मूंग 20 किलो बोना चाहिए। अच्छा, तो तीन चीजें 20 किलो और एक सन की क्रॉप 40 किलो। ठीक है।